एमपी में शादी यानी फ्रॉड मैरिज गैंग करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पन्ना के एक शख्स के साथ जबलपुर में शादी के नाम पर ठगी हुई है। शादी के लिए युवक ने अपनी पूरी धन दौलत गंवा दिया है, फिर भी उसके साथ दुल्हन नहीं आई। पीड़ित जयप्रकाश तिवारी को उसके पड़ोसी रवि दुबे ने शादी के लिए किसी का नंबर दिया था। पीड़ित जयप्रकाश ने जब उस नंबर पर संपर्क किया तो महिला ने अपना नाम रजनी तिवारी बताया। दलाल रजनी तिवारी ने जयप्रकाश से कहा कि वो उसकी शादी करवा देगी, लेकिन खर्च उसे ही करना होगा क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं है। सुंदर लड़की की फोटो देखकर जयप्रकाश दूल्हा वहीं पिघल गया और शादी के लिए राजी हो गया। शादी के अरमान सजोए जयप्रकाश 8 जून को जबलपुर पहुंचा, जहां गोल बाजार के पास रजनी अपने साथ अंजलि तिवारी नाम की एक सुंदर सी लड़की के साथ मिली। झट मंगनी पट ब्याह से बढ़कर कोर्ट मैरिज तय हुई। दूल्हे को जबलपुर जिला अदालत के सामने ले जाया गया, जहां काला कोट पहने एक कथित वकील मिला। कोर्ट मैरिज करवाने के लिए जयप्रकाश से 8,000 रुपए लिए गए। दलाल रजनी ने कहा कि दुल्हन के लिए जेवर लेने जरूरी है। जयप्रकाश ने अपने पास रखे 1,20,000 रुपए भी दलाल को दे दिए। रजनी जेवर लेकर रवाना हुई ही थी कि तीन लोग खुद को पुलिस वाले बताकर आ धमके। उसके बाद जबरदस्ती शादी की बात कर दूल्हे के साथ मारपीट करने लगे और उसके पास बचे 9,000 रुपए लूटकर 9-2-11 हो गए। दूल्हा बने जयप्रकाश को जब कुछ समझ पाता तब तक वो अकेला था। पास रखे पैसे भी खत्म हो गए और दुल्हन बनकर आई अंजलि भी गायब हो गई। तो जयप्रकाश तिवारी ने अपने पड़ोसी से बोला कि मुझे कोई लड़की देखनी है, तो रिश्तेदारों से चर्चा की, तो इसके रवि दुबे का नाम बताया उसके पड़ोसी ने। रवि दुबे ने एक और लड़की का नाम बताया रजनी तिवारी की, ये दिखा देगी आपको दुल्हन। तो रजनी तिवारी ने कुछ फ़ोटो भेजे, उसमें से एक प्रार्थी ने एक लड़की पसंद की जिसका नाम उसे अंजलि तिवारी बताया गया। तो नियत दिनांक को 8 तारीख को ये लोग आए गोल बाजार। गोल बाजार में अंजलि तिवारी और उसका भाई बताया गया विकास तिवारी, ये लोग और रजनी तिवारी, ये लोग तीनों आए और प्रार्थी लोगों को लेकर कोर्ट के बाहर गए। वहाँ किसी वकील से इन्होंने बातचीत की और ये कहा कि हम स्टाम्प पे ऐसे शादी करा देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ वकील ने इनसे कुछ पैसे लिए और ये वापस गोल बाजार आ गए। उसके बाद रजनी तिवारी और अंजलि तिवारी इन लोगों ने बोला कि हम जो शादी कराएंगे पूर्ण तरीके से, तो हमें जेवरात के लिए कुछ पैसे दो। तो इन्होंने 1,20,000 रुपये प्रार्थी 1,10,000 रुपये प्रार्थी ने इनको दिए। और उसके बाद फिर ये लोग गए, वहाँ खड़े थे, ये लोग जा रहे थे, इसी बीच इन्होंने पूर्व में ही तीन और लड़कों को नियत कर रखा था। उसके बाद परेशान पीड़ित जयप्रकाश थाने आ पहुंचा। और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। जबलपुर की लाडगंज पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मुखबिर का साथ मिला। पता चला कि वारदात में आशीष तिवारी नाम का युवक शामिल है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे विपिन नाम के उसके दोस्त ने नकली पुलिस वाला बनकर धौंस जमाने के बदले रुपए देने का लालच दिया था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो कड़ी दर कड़ी खुलती चली गई। पुलिस ने शादी करवाने वाली दलाल रजनी तिवारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दुल्हन अंजलि और उसका भाई पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। थाना लॉर्डगंज में रिपोर्ट की कि उसके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई, तो हमारी टीम ने ये पीछे से सबको ढूंढना शुरू किया, तो उसमें इनके नाम आए। बाद में ये भी पता चला कि ये जो अंजलि तिवारी है उसका एक्चुअल नाम है सुमन जैन, और जो विकास तिवारी जो उसका भाई बता रहा था वो उसका भाई नहीं, उसका पति है और उसका नाम भानु उर्फ विवेक जैन है। रजनी तिवारी, आशीष तिवारी, विपिन जैन और सुनील ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 58,000 रुपए की रिकवरी भी हुई है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अंजलि पहले ही शादीशुदा है। जिस विकास को उसका भाई बताया जा रहा है वो उसका पति है। दोनों का असली नाम सुमन जैन और विवेक जैन है। वारदात के बाद बंटी बबली बने पति पत्नी को पुलिस तलाश रही है। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।